दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल विहंगम हेल्थ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जलने पर फौरन ये उपचार करें, न फफोले रहेंगे, न दाग रहेंगे, न धब्बे रहेंगे। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को जलने के बाद देखना, बाद में उसमें चमड़े सिकुड़ जाते हैं, ताउम्र व्हाइट उजले दाग बने रह जाते हैं, या चमड़ा में सिकुड़न हो जाता है, वो जाता नहीं है, फफोले पड़ के वहाँ का चमड़ा जो है बेकार हो जाता है, या दिखने में ख़राब लगता है और लगता है। ये तमाम चीज़ें जलने के बाद हो जाती है। दोस्तों मैं आप लोगों का यही बताऊंगा, मैं जो उपचार बता रहा हूँ इसके, ये उपचार जलने के बाद फौरन करना है, गारंटी करता हूँ, सत्य कारण है। दोस्तों यह सदियों से आजमाया हुआ नुस्खा है, घरेलू नुस्खा है, आज गारंटी है, 100% गारंटेड है कि ना उसमें फफोले पड़ेंगे, ना कोई दाग रहेगा, ना धब्बा रहेगा, ना उजला दाग रहेगा, ना इसमें सिकुड़न रहेगा चमड़े का। बिल्कुल चमड़ा ओरिजिनल चमड़ा जो आपका अदर बॉडी की है वहाँ वैसा हो जाएगा। तो दोस्तों नए व्यूअर्स की गुजारिश है, जरूर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों नए दोस्तों और एक शिकायत है, आप लोग वीडियो देख लेते हो, चले जाते हो और सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ और है कि आप लोग वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं ज़रूरी बातें अच्छी बातें अंत तक बताते रहता हूं। आप लोग वीडियो को फुल वॉच करें तभी आप लोगों को मुनासिब फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों कहीं भी आपको फौरन जल जाए तो क्या करें, पहला नंबर फर्स्ट एड है कि टेटनस का इंजेक्शन ले लें, बेटाडीन से साफ कर दें, डॉक्टर से जो भी फर्स्ट एड है ज़रूरी है, एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेते रहें, एंटीबायोटिक हुआ और कुछ दर्द की गोलियाँ सब ले सकते हो। लेकिन जो स्किन के लिए बता रहा हूँ, आप फौरन क्या करें, प्योर अलसी का तेल लाएँ मार्केट से, आवश्यकता अनुसार अलसी का तेल लाएँ, चंदन कोई मिल जाए, पीला चंदन हो चाहे लाल चंदन, वो लेके आएँ। और बेल के पेड़ देखा आपने, हर गांव देहात में बेल के पेड़ मिलते हैं, तो बेल के पेड़ के जो सूखी हुई छाल ऊपर की खोपड़ी होती है, सूखी हुई छाल को उसमें से निकाल लें और लाए कूट कूट के उसको पाउडर बना लें, खूब पाउडर बना लें, उसको दो तीन बार चालने से चाल लें, एकदम महीन जो बारीक बचे उसी की यूज करना है। अब क्या बताएं, मैं अलसी के तेल को आवश्यकता अनुसार ले लें, उसमें चंदन डाल दें, चंदन पाउडर डाल दें और ये बेल का पाउडर, खाल का पाउडर बना के डाल दें, उसको गाढ़ा पेस्ट बनाएं और डेली बेटाडीन से घाव को साफ करना है जितना भी जला हुआ है, और इस पेस्ट को लगाना है, लगाते रहें, गारंटी है दोस्तों, सत्य कह रहा हूँ कि न वहाँ पर दाग रहेगा, ना धब्बा रहेगा, ना फफोले पड़ेंगे, ना छाले पड़ेंगे, ना व्हाइट दाग रहेगा, ना चमड़े की सिकुड़न होगी, बिल्कुल हूबहू अदर बॉडी के जो चमड़े वैसे ओरिजिनल चमड़े आपके आ जाएंगे, सत्य गारंटी दोस्तों। ये आजमाया हुआ बरसों पुराना, सदियों पुराना नुस्खा है, आप लोग इसका मेरा लाभ उठाएं। यदि आप लोग मेरा सलाह अच्छा लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए जय हिंद, जय भारत।